हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रोड मार्किंग कितना रिफ्लेक्शन कर रहा है उसका लुमिनस इंटेंसिटी निकाला जाता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पर रिफ्लेक्टोमीटर का यूज़ किया जा रहा है। तो इस वीडियो में रिफ्लेक्शन किस तरह से चेक किया जाता है उसको पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर डे टाइम विजिबिलिटी को QD से डिनोट किया जाता है और नाइट टाइम विजिबिलिटी को RL से रेफर किया जाता है और रेट्रो रिफ्लेक्टिव की यूनिट मिली कैंडला पर लक्स पर स्क्वायर मीटर होती है। चलिए अब देख लेते हैं रिफ्लेक्टोमीटर के थ्रू किस तरह से रेट्रो रिफ्लेक्टिव को चेक किया जाता है। यहाँ पर रोड मार्किंग को क्लीन कर लिया जाता है, उसके बाद रिफ्लेक्टोमीटर को यहाँ पर प्लेस करने के बाद विद इन 2 सेकेंड के अंदर आपको रीडिंग आ जाती है। यहाँ पर QD डे टाइम विजिबिलिटी को बता रहा है, तो सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए तब तक लुमिनस इंटेंसिटी 130 के अबाव आनी चाहिए। 130 मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब तक ये रोड मार्किंग रहेगी, जो यहाँ पर मिनिमम लिमिट के अबाव आ रही है। डे टाइम में रोड मार्किंग किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डे टाइम में रोड मार्किंग पर ड्राइवर इतना डिपेंड नहीं करता है, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम ड्राइवर टोटली डिपेंड होता है रोड मार्किंग की विजिबिलिटी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास बीड्स किस तरह से हेडलाइट को रिफ्लेक्ट करके ड्राइवर को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और रिफ्लेक्टोमीटर में आप RL की लिमिट देख पा रहे होंगे। RL यानी नाइट टाइम विजिबिलिटी डिपेंड करती है डिज़ाइन स्पीड पर। अगर आपकी डिज़ाइन स्पीड 100 से अबाव है तो RL की लिमिट 150 मिनिमम होगी। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन में नंबर ऑफ रीडिंग लेनी है और उसके बाद उसका एवरेज करना है। किसी सेक्शन में कितने नंबर ऑफ रीडिंग लेनी है इसको आप IRC 35 में पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन विजिबिलिटी सबसे पुअर हो जाती है क्योंकि रिफ्लेक्शन बोथ साइड में होता है। वेट कंडीशन में रिफ्लेक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोड मार्किंग को किस तरह से किया जाता है उस पर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह से थर्मोप्लास्टिक पेंट को यूज़ किया जाता है और इसमें किस तरह से ड्रॉप ऑन बीड्स डाले जाते हैं, ग्लास बीड्स किस तरह से डाले जाते हैं, उनका क्वांटिटी क्या रहता है, उसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी देख सकते हैं। और रोड मार्किंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मॉर्थ का सेक्शन 800 या फिर IRC 35 को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें पूरा रोड मार्किंग से रिलेटेड पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। वाइट पेंट जो आप देख पा रहे हैं ये थर्मोप्लास्टिक रेजिन है और इस बॉक्स को देख पा रहे होंगे इसके अंदर ही ग्लास बीड्स होते हैं जिन्हें ड्रॉप ऑन बीड्स भी कहा जाता है, जो इक्वल क्वान्टिटी में इस पेंट के ऊपर स्प्रेड होते हैं। चलिए अब जहाँ पर बिटुमिनस कंक्रीट या फिर असफाल्ट का रोड बनाया जाता है वहाँ पर रोड मार्किंग को सेम इसी तरह से चेक किया जाता है, पर असफाल्ट के लिए RL और QD की वैल्यू चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि रोड मार्किंग के लिए येलो लाइन को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में क्लियरली यूनियन मिनिस्ट्री ने NHAI को मेंशन किया है, येलो लाइन कंक्रीट रोड पर बेटर कंट्रास्ट देती है बट वाइट लाइन मोर रिफ्लेक्टिव है कंपेयर टू येलो लाइन। इसीलिए गवर्नमेंट ने NH, SH या फिर यूनियन टेरिटरी के सभी प्रोजेक्ट में येलो रोड मार्किंग को बैन कर दिया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं असफाल्ट की रोड पर किस तरह से रिफ्लेक्टोमीटर के थ्रू यहां पर रिफ्लेक्शन चेक किया जा रहा है और असफाल्ट रोड के लिए QD की वैल्यू 100 से अबव होनी चाहिए, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं 100 से अबव आ रही है और इन सभी वैल्यूज़ का एवरेज किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी आपको इस चैनल पर हाई स्पीड रेलवे का क्या अपडेट चल रहा है उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी कोई डाउट है या फिर फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम सिविल टेक्नो इंडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।